जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है सिद्ध पीठ या मंदिर जाते या आते समय भयंकर एक्सीडेंट क्यों होते हैं। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर और काफी ज्ञानवर्धक लाभप्रद होने वाला है आपके लिए। देखिए, आप लोगों ने अनेकों बार देखा होगा, अनेकों बार अनेकों न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि पर देखा होगा कि बहुत से लोग जो किसी सिद्ध पीठ या किसी मंदिर इत्यादि में जाते समय या लौटते समय अपनी गाड़ियों से या किराए की गाड़ियों से उनका भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और एक साथ 5-7-8-10 लोग मर जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत से लोग अपने एसयूवी या गाड़ी इत्यादि में बालाजी दर्शन हेतु गए, कैला मैया गए, नरी सैमरी गए, वैष्णो दरबार गए, ज्वाला जी गए या किसी भी सिद्ध पीठ में गए, या तो जाते समय या लौटते समय उन गाड़ियों का भीषण एक्सीडेंट हुआ और उसमें अनेकों लोग काल सर्वित हो गए अचानक। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये जरूर आया होगा और आता होगा कि जब ये लोग दर्शन हेत एक सिद्ध शक्ति पीठ जा रहे थे या वहां से दर्शन करके लौट रहे थे तो उन लोगों के साथ ऐसी बुरी दुर्घटना क्यों हुई, क्या कारण था? ये तो अच्छे काम के लिए गए थे, दर्शन हेत गए थे, दर्शन करके लौट रहे थे, फिर इनके साथ ऐसी क्या बात हुई कि इनके गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और अचानक से पूरा का पूरा घर खत्म हो गया। ये प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा। देखिए, आज हम इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, जब आप लोग किसी भी सिद्ध पीठ या मंदिर इत्यादि जाते हैं दर्शन हेतु, तो उसके कुछ नियम होते हैं और ये नियम आज के नहीं है, बहुत पुरातन काल के हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए दुर्घटना होने के पूरे कारण बनेंगे। अब वो ऐसी गलतियां हैं कि ज्यादातर भक्त ऐसी गलतियां कर देते हैं और उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में अचानक से इतनी बड़ी विपदा आ जाती है जिसमें कि पूरा का पूरा घर खत्म हो जाता है। देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, किसी भी धर्म स्थल, सिद्ध पीठ या मंदिर इत्यादि में जाने से पहले कुछ नियम हैं। नंबर एक, जाने से कम 3 या 5 दिन पहले आप अपने जिस देव के, जिस ईष्ट के सिद्धपीठ जा रहे हैं उनके समक्ष कम से कम 11 रुपए हाथ में लेके एक संकल्प लें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप वैष्णो दरबार जा रहे हैं तो आप बोले वैष्णो मैया के सामने 11 रुपए लेके कि हे वैष्णो मैया, हम आपके दरबार अपने घर के सदस्यों के साथ दर्शन हेतु आना चाहते हैं, कृपया आप बुलावा भेजें।
और हमारी यात्रा सुखद रहे, ऐसा बोल के उस पैसे को मैया के आगे रख के मत्था टेक ले, या बालाई दरबार जाना है तो बालाई महाराज से बोले, या शंकर भगवान के किसी सिद्ध पीठ जाना है तो शंकर भगवान का नाम लेके ऐसी प्रार्थना करे, ये बहुत ही अनिवार्य है। नंबर दो, जो आपके छौर कर्म है, छौर कर्म मतलब दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, नाखून काटना इत्यादि, इन सारे कार्यों को आप कम से कम 3 दिन पहले संपन्न कर लें। ऐसा ना हो कि आप आज जा रहे हैं और आज ही ये काम कर रहे हैं, या 1 दिन पहले कर रहे हैं। ये सारे कार्य आपको कम से कम 3 दिन पहले संपन्न कर लेने चाहिए। नंबर 3, अगर आप शादीशुदा हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, तो आपको ग्रस्त जीवन से भी कम से कम 3 दिन पहले दूर हो जाना चाहिए। मतलब स्त्री से अंतरंग संबंध आपको कम से कम 3 दिन पहले बनाने बंद कर देना चाहिए। यह ऐसा है जिससे कि आपका शरीर और मन शुद्ध रहे। नंबर 4, अभक्ष का त्याग। अभक्ष मतलब जो चीजें धार्मिक स्थलों में और पूजा पाठ में अभक्ष के रूप में बताई गई हैं, जैसे अंडा, मीट, शराब इत्यादि, इन सब का सेवन भी कम से कम 3 दिन पहले, और हो सके तो 5 दिन पहले आप बंद कर दें। बहुत सी इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे बैगन इत्यादि की सब्जी, या बहुत सी कुछ चीजें हैं, इन सब चीजों का सेवन कम से कम 3 से 5 दिन पहले आपको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर और मन शुद्ध रहे। नंबर 5, आपको हिंदू पंचांग कैलेंडर में या किसी पंडित इत्यादि से शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए यात्रा का, जिसमें कोई दिशाशूल इत्यादि ना हो, पंचक इत्यादि ना हो, और सही घड़ी, सही समय यात्रा का वो चुन के उस वक्त यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कुछ घड़ियां, कुछ नक्षत्र इत्यादि इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उसमें घर से निकला जाए यात्रा को, तो उस यात्रा में अनिष्ट होने के बहुत सारे कारण बनते हैं। नंबर 6, आप किसी भी धर्म स्थल सिद्ध पीठ की यात्रा पर जाएं तो आपका मन, आपकी भावना अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए, और अपने उस ईष्ट और देव के प्रति आपका पूरी श्रद्धा भक्ति से आप जाएं। ऐसा ना हो कि आपका मन अश्लील विचारों में है, इधर उधर की बातों में है, पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं है, और आप पिकनिक सी मनाने जा रहे हैं, ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो एक सिद्ध स्थल है, वहां पर शक्तियां काम कर रही हैं, उनसे आपको आशीर्वाद लेना है, कुछ लेके आना है, उनको नाराज नहीं करना है। नंबर 7, जब आप किसी भी सिद्ध स्थल पर पहुंचे तो सर्वप्रथम वहां की मिट्टी को चरण स्पर्श करके अपने मस्तिष्क से लगाएं, और उस सिद्ध स्थल या शक्तिपीठ का जो शिखर है, जहां पर झंडा लगा हुआ है, उसके दर्शन करके मन में चरण स्पर्श बोले, जिससे कि आपको आपकी यात्रा का पूरा लाभ मिले, पूरा फल मिले। नंबर 8, पूरी धार्मिक यात्रा किसी भी सिद्ध शक्तिपीठ की या धार्मिक स्थल की करते वक्त आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, और वहां पर जितने दिन आप रहें, 2 या 3 दिन, वहां भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है,
और अवक्ष से दूर रहना है, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना है, मन में गलत विचार नहीं लाने हैं। आपको पूरी यात्रा को धार्मिक यात्रा मान के अपने ईष्ट और देव की प्रार्थना श्रद्धा पूर्वक करनी है, उनके दर्शन करने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, यह अत्यंत घातक सिद्ध होंगी। नंबर 9, ये सारी गलतियां आपके लिए घातक सिद्ध क्यों होती हैं? क्योंकि जितने भी सिद्ध स्थल या धार्मिक स्थल है वो सब पॉजिटिव एनर्जियों से, धनात्मक शक्तियों से भरे पड़े हैं, और अगर आपके पास या आपके घर के सदस्यों के पास कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई संकट इत्यादि होंगे और आपकी भावना दूषित है, आप पिकनिक के मूड से जा रहे हैं, आप धार्मिक यात्रा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अंडा मीट शराब का सेवन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके जो नकारात्मक शक्तियां और जो संकट है वो आपको अत्यंत परेशान करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग मर के हमारी योनि में आ जाए। और अब आपके मन में बात ये आती है कि उस सिद्ध स्थल जहां हम जा रहे हैं दर्शन हेतु, वहां की जो धनात्मक शक्तियां हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारा साथ क्यों नहीं देगी? वो आपका साथ पूरा देना चाहती हैं, देती है, परंतु आप धार्मिक यात्रा के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप पिकनिक के मूड से जा रहे हैं, अभक्ष का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, मन को दूषित रख रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण वो सारी शक्तियां चाहते हुए भी आपको अपना आशीर्वाद देने में सक्षम नहीं हो पाती है, ना आपकी मदद कर पाती हैं, जिससे कि आपके संकट और नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर अत्यंत हावी हो जाती हैं और वो इस प्रकार की दुर्घटना को करा देती हैं। और उसके पीछे कराने का मकसद उनका केवल यही होता है कि ये लोग भी मर के अकाल मृत्यु को प्राप्त होके भूता योनि में आके हमारे साथ ही आ जाए, शामिल हो जाए, हमारे ग्रुप में ही आ जाए। हर संकट यही चाहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं या धार्मिक यात्रा पर जाएं, तो ऊपर बताए गए इन सारे नियमों का पालन करें सख्ती से, जिससे कि आपकी धार्मिक यात्रा अत्यंत शुभ हो, मंगलमय हो और आपको अपने ईष्ट और देवता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके साथ कोई भी दुर्घटना ना हो और जो भी हो वो सब अच्छे कार हो। जब आपको इन सब शक्ति पीठों का आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन में, आप यकीन मानिए, जो भी कार होगा वो सारे कार उत्तम ही होंगे और उसका आपको विशेष फल मिलेगा। आशा है आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और हमको कमेंट करके आप बताएं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, हम उसे जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।